पार्ट है इसी का, सेम वही क्वेश्चन है। देखो ये 90 है, 90 का साइन है ना, तो ये भी कितना होगा 90। ये ऑलरेडी 70 दे रखा है, ये 90 है, तो ये एक्सटीरियर भी कितना होगा 90 होगा, और ये 60 है, तो हमारे पास चार पता चल गए हमें, 1 2 3 4 है ना, और फिफ्थ हमें निकालना है। तो एंगल सम कितना होगा 360, तो प्लस करते जाओ, एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, सबका एंगल सम कितना होना चाहिए 360। एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल सम कितना होता है 360 होता है, तो कर लो इनको प्लस, एक्स प्लस 310 इज इक्वल्स टू 360, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 360 माइनस 310, एक्स विल बी 50 डिग्री, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड्स नंबर ऑफ साइड इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी 360। तो नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है और ईच एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा है, तो नंबर ऑफ साइड की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट कर रहा हूं मैं, 9 इंटू एक्स को एक्स मान लो एक्सटीरियर एंगल, तो हो गया 360, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 अपॉन 9 मीन्स 40 डिग्री। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही 15 इंटू इस बार वाई लेट कर लो, सो 360 वाई विल बी 360 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा आपका 24 डिग्री। इस तरीके से आपको रेगुलर पॉलीगन में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन हैव। अब की बार उल्टा है, देखो यहां तो साइड दी हुई थी और एंगल पूछा था, अब की बार एंगल दिया है, तो साइड को लेट कर लो, एन इंटू एंगल इक्वल्स टू कितना होगा 360। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर है, सही है, तो 360 अपॉन 24 आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी 15 साइड्स। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स सेम है डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच दिस टाइम इट इज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना है 165। तो देखो कभी भी हम बात करें, कोई भी पॉलीगन हो, जैसे ये है इंटीरियर दे रखा है, तो एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं 180 माइनस करके, तो 180 माइनस 165 करके तो हम निकाल लेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल, तो कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री। अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, एन इंटू 15 इक्वल्स टू 360, तो एन होगा 360 अपॉन 15 कितना 24 साइड्स। ठीक है भाई, ये क्लियर, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल 22। ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन संभव है, मतलब पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल 22 हो जाए, तो हम चेक करते हैं, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, साइड तो दी नहीं, तो साइड की जगह हम लिख लेते हैं एन इंटू एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 22 इक्वल्स टू 360, तो एन की वैल्यू क्या होगी 360 अपॉन 22। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, ये आएगा 180 अपॉन 11, और 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 1 11 7 बचेगा, 11 6 66, फिर 0.33। ऐसा हो सकता है 16.33 साइड हो किसी पॉलीगन में, कभी नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ हमें हमारा एक फॉर्मूला यूज करना है, उसी से सब कुछ चेक हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम, इसमें ईच और है कि हर एक इक्वल होना चाहिए भाई, इक्वल कब होगा, रेगुलर पॉलीगन कब होगा, जब सारी चीजें इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल, सारे इंटीरियर इक्वल, सारे एक्सटीरियर इक्वल। तो देखो मिनिमम की बात करिए, तो मिनिमम कितने साइड होते हैं पॉलीगन में, तो सबसे छोटे के लिए बात कर लेते हैं हम, सबसे छोटी चीज क्या होती है पॉलीगन में, ट्राइंगल, और ट्राइंगल रेगुलर ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं ना भाई,
रेगुलर मतलब जिसकी साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है, 60 60 60। तो कितना होता है मिनिमम एंगल, 60 हो सकता है, इससे कम में रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये चीज हमें देखनी है। नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब आप सिंपल सी बात समझ लो, जब इंटरनल मिनी इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तभी तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर निकालते कैसे हैं, 180 माइनस इंटीरियर करके ही तो निकालते हैं। तो जब इंटीरियर की वैल्यू मिनिमम होगी, मान लो जीरो होगी, तभी तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी 180। अगर इसकी वैल्यू ही मैं 110 कर दूं तो इसकी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो जब इंटीरियर मिनिमम होगा तभी एक्सटीरियर क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो इंटीरियर मिनिमम कितना था, 60, तो एक्सटीरियर मैक्सिमम कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना हो सकता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड।